Dear students, in this lecture we discuss question number 12 of exercise 1.1. Two forces P and Q have a resultant R. If force P is increased, then the new resultant bisect the angle between R and P, find the increase in P. Okay students, क्या given आपके पास? Two forces P and Q have a resultant R. दो forces हैं, मान लिया जाए कि एक force आपके पास O point पर act कर रहा है along OA, force is P. एक another force है वो OB के along act कर रहा है, force आपके पास क्या है? Q. Two forces P and Q have a resultant R. इन दो forces का बच्चों जो resultant है वो आपके पास क्या है? R है. Okay students, resultant of these two forces. Now completing the parallelogram. Clear है? Okay. If the force P is increased, अब ये कहता है कि force P को, A point यहाँ तक ले लेते हैं, फोर्स पी को इंक्रीज कर दिया, मान लिया कि इंक्रीज करते हुए हम यहाँ तक ले गए और इसका क्या रख दिया हमने ए डैश से, जो फोर्स पी को हमने इंक्रीज कर दिया ए ए डैश से और यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यू फोर्स. इफ़ द फोर्स पी इज इंक्रीज देन द न्यू रिजल्टेंट. अब फोर्स, पहले फोर्स कहाँ तक था? ओ से ए तक था. अब फोर्स ओ से लेकर ए डैश है, इस फोर्स की वजह से जो नया रिजल्टेंट आया, मान लेते हैं कि वो आपके पास नया रिजल्टेंट यहाँ पर है और ये, देन द न्यू रिजल्टेंट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन आर एंड पी. आर और पी के बीच में जो एंगल है, आर और पी के बीच में जो एंगल है, ये नया रिजल्टेंट इसको बाइसेक्ट करता है. तो इसका मतलब अगर हम ये ले लें कि एंगल वन और ये ले लें एंगल टू, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ऑल्सो कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम हेयर for this case, or take here and say point A dash is here. Okay students, clear? अगर ऐसा है तो find the increase in P. तो आपको ये बताना है what is the value of A A dash. B, P में कितना increase किया जाए, force P में कितना increase किया जाए कि उसकी वजह से जो नया resultant आया R dash वो R और P के बीच में जो एंगल है उसको क्या करता हो? बाइसेक्ट करता हो. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया आपको क्या क्या दे रखा है? टू फोर्सेस हैं P एंड Q, हैवी रिजल्टेंट R. दो फोर्सेस हैं OA के अलोंग फोर्स P है, OB के अलोंग फोर्स Q है. इन दो फोर्सेस का जो बच्चों रिजल्टेंट है वो आपके पास क्या है? R है. क्लियर है? इन सेकंड केस में क्या कहता है कि फोर्स पी को इंक्रीज कर दिया है, फोर्स पी को कितना इंक्रीज कर दिया है ए ए डैश से. इंक्रीज करने की वजह से जो नया रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट आर और पी के बीच में बने हुए एंगल को बाइसेक्ट करता है. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. ओके स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये एंगल आपके पास क्या है? थ्री है. हेयर इज एंगल थ्री. कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं ओ ए बी, ये पॉइंट सी ले लेते हैं, दैट पॉइंट इज सी डैश. हेयर लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ओ सी डैश सी,
ओ सी डैश सी इज इक्वल टू एंगल 3 और हेयर लाइन बी सी डैश इज पैरेलल टू लाइन ओ ए डैश. क्लियर स्टूडेंट्स, बी सी लाइन ओ ए लाइन ओ ए डैश लाइन की क्या है, पैरेलल है. क्लियर, ये लाइन आपके पास क्या है, बी सी डैश है, ये लाइन आपके पास क्या है, ओ ए डैश, और एक लाइन आपके पास ये है ओ सी डैश. क्लियर, तो यहाँ ये एंगल क्या है बच्चों, एंगल 2, और ये एंगल क्या है आपके पास, एंगल 3. मीन्स एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. क्लियर स्टूडेंट्स, बी सी डैश पैरलर टू ओ ए डैश, बी सी डैश ओ ए डैश के क्या है बच्चों, पैरलर है. तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. एंगल 2 एंड एंगल 3 आर सेम बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल, दीज आर द अल्टरनेट एंगल, दीज आर द अल्टरनेट एंगल. बट यहाँ पर क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है. तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. तो हमने क्या देखा, इन ट्रैंगल, इन ट्रैंगल ओ सी सी डैश, इन ट्रैंगल ओ सी सी डैश एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. अगर किस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड मतलब अपोजिट साइड जो होंगी वो क्या है, किसी भी ट्रैंगल के अंदर, अगर किसी भी ट्रैंगल है, मान लिया कि ये ट्रैंगल आपके पास ओ सी और ये क्या है सी डैश है, एंगल 1 कहाँ पे है बच्चों, सी ओ सी डैश, यहाँ पर एंगल 1 है और एक एंगल क्या आपके पास सी सी डैश, ये एंगल 3 है. अगर ये आपस में एंगल सेम हो जाए तो इन दोनों साइडों को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, इक्वल होना पड़ेगा. तो दिस इम्प्लाइज ओ सी इज इक्वल टू सी सी डैश, बट ओ सी इज इक्वल टू सी सी डैश, बट आपने क्या देखा, सी सी डैश खुद किसके इक्वल है बच्चों, जो ये सी सी डैश है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये खुद किसके इक्वल है, ए ए डैश के इक्वल है. तो बट सी सी डैश इज इक्वल टू ए ए डैश, तो दिस इम्प्लाइज ओ सी इज इक्वल टू ए ए डैश. बट ओ सी खुद क्या है, ओ टू सी, तो ओ सी सी क्या रिजल्टेंट है, किसके इक्वल है, आर के. तो आर इज इक्वल टू ए ए डैश. हमने बताना क्या था, हमें यही तो बताना था कि ए ए डैश क्या होगा, ए ए डैश आपका क्या है बच्चों, आर के इक्वल है. क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर पी में जो इंक्रीज किया है, अगर पी में वो आर इंक्रीज कर देते हैं, मतलब अगर पी को रिप्लेस कर दिया जाए पी प्लस आर से, तो जो नया रिजल्टेंट आएगा वो आर और पी के बीच में बने हुए एंगल को क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स, ओके. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 हेयर. द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू मेक एन एंगल 2 थीटा. दो फोर्सेस हैं, ओ ए के अलोंग फोर्स पी एक्ट करता है, ओ बी के अलोंग फोर्स क्यू एक्ट करता है. इन दो फोर्सेस का जो बच्चों रिजल्टेंट है, मान लें कि इनका रिजल्टेंट आपका आर है, वो द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू मेक एन एंगल 2 थीटा विद द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ पी. ये जो रिजल्टेंट है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी के साथ क्या एंगल बनाता है बच्चों, 2 थीटा है. कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम हेयर, हेयर इज पॉइंट से सी. ओके, इफ पी इज नाउ रिप्लेस्ड बाय पी प्लस आर, अगर पी को रिप्लेस कर दिया जाए पी प्लस आर से, ये हेयर इज पी एंड प्लस आर, पी प्लस आर. अब उसकी वजह से जो नया रिजल्टेंट आया बच्चों, मान लेते हैं ये आपके पास एक नया रिजल्टेंट है. नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम हेयर आल्सो, और से टेक हेयर पॉइंट ए डैश दैट इज द आर हेयर, एंड न्यू रिजल्टेंट मान लेते हैं आपके पास जो नया रिजल्टेंट है वो आर डैश है, ये मान लेते हैं पॉइंट आपके पास क्या है, सी डैश है. इफ पी इज नाउ रिप्लेस्ड बाय पी प्लस आर, पी को रिप्लेस कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब क्या है ये पी प्लस आर है. क्यू रिमेनिंग अनचेंज, क्यू पे कोई भी चेंज नहीं किया. शो दैट द रिजल्टेंट, तो जो नया रिजल्टेंट आया है वो मेक एन एंगल थीटा विद पी. तो इस नए रिजल्टेंट ने पी के साथ जो एंगल बनाया है, इस एंगल को
हमें क्या शो करना है कि वो थीटा आ जाए, मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है सी डैश ओ ए डैश, सी डैश ओ ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाए, थीटा आ जाए। ओके, ये हमारा टारगेट है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, फ्रॉम दैट सी टू सी डैश इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी सी डैश, इन ट्रायंगल ओ सी सी डैश ओ सी, ओ टू सी इज आर सी सी डैश, ए ए डैश किसके बराबर है बच्चों, ए ए डैश इज इक्वल टू हेयर, दैट इज ए ए डैश इज इक्वल टू सी सी डैश, और ए ए डैश क्या है आर, तो सी सी डैश क्या हो जाएगा आर, तो इन ट्रायंगल ओ सी सी डैश ओ सी इज इक्वल टू आर एंड सी सी डैश इज इक्वल टू आर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दीज आर सेम, तो मीन्स दैट एंगल एंड दैट एंगल आर ऑल्सो सेम, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपके पास सेम है तो उनके जो सामने एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे सेम, तो आपके पास ओ सी भी क्या है आर, सी से लेकर सी डैश भी आपके पास क्या है आर, तो मीन्स ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल, अगर इस एंगल को हम वन दे दें और ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या ले लें टू ले लें, तो इन ट्रायंगल ओ सी सी डैश ओ सी इज इक्वल टू सी सी डैश इज इक्वल टू आर, तो दिस इम्प्लाइज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, और फ्रॉम दैट आल्सो हेयर BC dash इज पैरेलल टू OA dash, BC dash इज पैरेलल टू OA dash, तो दिस इम्प्लाइज एंगल BC dash O इज इक्वल टू एंगल C dash O A dash, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल BC dash O इज इक्वल टू एंगल टू विच इज इक्वल टू एंगल सी डैश ओ ए डैश। क्लियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दैट हेयर इज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सी डैश ओ ए डैश, तो दिस इम्प्लाइज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सी डैश ओ ए डैश। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, ये एंगल वन और एंगल सी डैश ओ ए डैश, ये दोनों एंगल बच्चों क्या हो जाते हैं आपस में सेम हो जाते हैं, तो इसका मतलब जो नया रिजल्टेंट आया उसने आर और पी के बीच में बना हुआ एंगल था उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आल्सो एंगल वन प्लस एंगल सी डैश ओ ए डैश, ये एंगल वन ये एंगल सी डैश ओ ए डैश, इन दोनों का सम क्या है आपके पास टू थीटा के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज टू टाइम्स ऑफ यूजिंग दिस हेयर टू टाइम्स ऑफ एंगल सी डैश ओ ए डैश इज इक्वल टू टू थीटा, तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी डैश ओ ए डैश इज इक्वल टू थीटा। ओके, यही तो हमें शो करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्वेश्चन नंबर 12 का जस्ट रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन नंबर 12 में तो क्या था कि जो नया रिजल्टेंट है वो आर और पी के बीच में बने हुए एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो हमें यह बताना था कि पी में कितना इंक्रीज किया जाए, वो कितना आया था आपके पास आर। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले ही कह दिया कि पी में अगर हम आर इंक्रीज कर दे तो जो नया रिजल्टेंट आया है वो आर और पी के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 2 थीटा था, बाइसेक्ट करेगा तभी तो एंगल क्या आएगा उनके बीच का थीटा, यही तो हमें बताना था। ओके स्टूडेंट्स।